आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। चलिए स्टार्ट करते, देख लेते क्वेश्चन क्या कहता है। लेट कितने दे रखा है, लेट के बी अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड ए इक्वल टू ए डिटरमिनेंट, ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू दे रखी है मेरी वो कितनी दे रखी है। रो फर्स्ट के अंदर दे रखा है 2k-1, 2√k, 2√k। आर टू के अंदर दे रखा है 2√k-1 - 2k। आर थ्री के अंदर दे रखा है -2√k, 2k और कितना -1। वही मेरी बी मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स का जो R1 दे रखा है क्या है 0, 2k-1 और कितना √k। आर टू के अंदर कितना दे रखा है 1 - 2k, 0 और कितना 2। और आर थ्री के अंदर कितना दे रखा है -√k - 2√k और कितना 0। हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, इफ़ एडजॉइंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू 10^6, देन यहाँ पे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ के इज इक्वल टू। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी आएगी इसकी वैल्यू। तो चलिए देख लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, हम ए लिख लेते हैं कि जो ए दे रखा है वो मेरा कितना दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूँ तो ए दे रखा है मेरा यहाँ पर, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो कितना दे रखा है इतना 2k-1, ये दे रखा है 2√k, ये दे रखा है 2√k, ये कितना है 2√k, 1 - 2k, ये -2√k, ये 2k और ये कितना -1। तो अब हम क्या कर देते हैं, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल देते हैं, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालता हूँ इसका, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करता हूँ। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करूँगा तो कितना जाएगा 2k-1, यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा -1 और ब्रैकेट में कितना -4k² ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे कितना मिलेगा माइनस का ऑफ कितना 2√k। तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो छुप जाएगी, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा माइनस का 2√k, यहाँ कितना जाएगा माइनस का कितना 4k√k, यहाँ से मुझे ये मिल गया। प्लस यहाँ कितना मिल जाएगा 2√k, तो यहाँ कितना मिल जाएगा 4k√k, यहाँ कितना जाएगा प्लस ऑफ कितना 2√k। तो मुझे यहाँ से ये वाली वैल्यू मिल गई। अब मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, तो सोल्व करने पे मुझे कितना मिलेगा 2k-1, यहाँ पे कितना मिल गया 4k² - 1, यहाँ पे कितना मिल गया प्लस ऑफ कितना 2√k, माइनस कॉमन ले लिया अंदर से, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2√k प्लस ऑफ कितना 4k√k, यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2√k, यहाँ कितना 4k√k प्लस ऑफ कितना 2√k, तो मुझे यहाँ से ये मिल गया। अब मैं इसको सोल्व कर दूंगा, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे कितना जाएगा 2k-1, यहाँ कितना आ गया 4k² - 1, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। अब ये 2√k, ये मेरी वैल्यू क्या सेम है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 4√k ब्रैकेट में, यहाँ पे कितना जाएगा 2√k अपॉन कितना 4k ऑफ कितना √k, तो मुझे यहाँ से ये वाली वैल्यू मिल गई। अब मैं यहाँ से क्या ले लूँगा, 2√k कॉमन ले लूँगा अंदर से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना 2k-1, इसको अगर मैं खोल दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2k-1 और यहाँ पे 2k प्लस ऑफ कितना 1, a² - b² का फॉर्मूला, प्लस मैंने यहाँ पे 2√k कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना आ गया 8 ऑफ कितना k और 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा ऑफ कितना 2k, यहाँ पे ये वैल्यू बचेगी। तो अब मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ से कितना लिख सकता हूँ, यहाँ से जो मुझे मिल जाएगा वो कितना मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 प्लस ऑफ कितना 2k और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4k² प्लस ऑफ कितना 4k, यहाँ कितना जाएगा 4k प्लस ऑफ कितना 1। तो मैंने यहाँ से 1 प्लस 2k कॉमन लेके तो क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे मुझे ये मिल जाएगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको सोल्व कर देता हूँ, तो ये मुझे क्या दिखता है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ये मुझे दिख रहा है 2k प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस b का होल क्यूब, तो कितना होता है a प्लस b ब्रैकेट में a, तो ये वाला फॉर्मूला होता है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब हम क्या कर देते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ a जो आया वो कितना आया, इतना आ गया।
अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है जानता हूँ, तो कितना होता है इसको लिख देता हूँ, ए प्लस बी ब्रैकेट में कितना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए क्यूब प्लस कितना बी क्यूब प्लस ऑफ कितना 3ab। तो मेरा क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है जो कि इससे आया है। तो यहाँ पर ये कंडीशन आ गई। तो अब मैं यहाँ पर कितना कर दूंगा, तो मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए तो मिल गया, अब डिटरमिनेंट ऑफ बी, अब जो मेरा डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालूंगा, तो यहाँ पे जो बी दे रखा है ये वाला, तो ये मेरी कैसी मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ कह दूंगा सो बी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि इसके डायगोनल कैसे सारे के सारे 0 है, तो उस कंडीशन में हमेशा डायगोनल मैट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो मेरा डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, मेरी कंडीशन दी होती है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, यहाँ पर मुझे फाइंड करना है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट एडजोइंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ एडजोइंट ऑफ बी, तो इसको लिख लेता हूँ नाउ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ कितना एडजोइंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ कितना एडजोइंट ऑफ कितना बी, ये किसके इक्वल है, 10 की पावर 6 के इक्वल। अब मैं यहाँ पे क्या एक फॉर्मूला जानता हूँ कि डिटरमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, यहाँ पे इसको मैं लिख दूंगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा कि पावर कितना n-1 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ किसका n कितना n-1 सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा b आ जाएगा, इसको b लिख देता हूँ। तो यहाँ कितना आ गया, b आ गया इक्वल टू यहाँ कितना आ गया 10 टू द पावर ऑफ कितना 6। अब मुझे क्या है कि n क्या है, यहाँ पर ऑर्डर है किसी भी मैट्रिक्स का, जो मेरा ऑर्डर दे रखा हो कितना दे रखा है 3 इंटू 3, लेकिन जो उसका डिटरमिनेंट दे रखा हो कितना दे रखा है 0, तो ये वाली वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा सिर्फ इक्वल टू कितना 10 टू द पावर 6। अब मेरा जो n दे रखा है, n इज अ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ऑर्डर कितना दे रखा है मैट्रिक्स का 3 दे रखा है, तो 3-1 तो यहाँ पे कितना आ गया इसका स्क्वायर आ गया, तो मैंने स्क्वायर लिख दिया, यहाँ कितना आ गया 10 टू द पावर 6, तो मुझे यहाँ से ये वैल्यू मिल गई। अब मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए जानता हूँ कितना दे रखा था, डिटरमिनेंट ऑफ ए था 2k+1 का, यहाँ पे कितना था क्यूब, और यह कितना है इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू कितना 10 टू द पावर 6। तो जब मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2k+1 का की पावर 6 इक्वल टू कितना 10 टू द पावर 6। कंपेयर करूँगा 6 से 6 कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना बचेगा 2k+1 इक्वल टू कितना 10। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, k इक्वल टू कितना 9/2। अब इस 9/2 को मैं कितना लिख सकता हूँ, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 4.5 के इक्वल, 9/2। तो अगर मैं इस 4.5 का क्या निकालना चाहता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4 के इक्वल आएगी। क्योंकि हमेशा अगर मैं यहाँ पर 4 पॉइंट की बात करता हूँ, इसकी मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो ये किसके इक्वल देगा, 4 के इक्वल देगा, तो हमेशा लीस्ट वैल्यू देता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा 4 के इक्वल आ जाएगा। और यही क्या है मेरा यहाँ पर इसका आंसर है जो मुझे फाइंड करना था। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।